नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करते हैं अमरवाड़ा की। अमरवाड़ा विधानसभा सीट उपचुनाव में फैसला हो चुका है। उपचुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह ने 3,252 वोट से जीत हासिल की। त्रिकोणीय मुकाबले में शुरू के 3 राउंड में बढ़त बनाने के बाद भाजपा प्रत्याशी कमलेश शाह लगातार दूसरे नंबर पर ही चल रहे थे। कांग्रेस के धीरन शाह लीड बनाए हुए थे। एक बार तो लगने लगा था कि अमरवाड़ा में भाजपा की हार हो जाएगी, लेकिन अचानक से समीकरण फिर बदले और भाजपा के कमलेश शाह को 18वें राउंड में 800 वोटों से आगे निकल गए। इसके बाद 19वें राउंड में भी पकड़ बनाते हुए फाइनल 20वें राउंड में अपनी जीत दर्ज कर ली। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लगातार तीसरे नंबर पर बनी रही। अंतिम राउंड की काउंटिंग के बाद कांग्रेस ने विरोध जताते हुए रिकाउंटिंग की मांग की। तो अमरवाड़ा में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है और ये जश्न की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इधर अमरवाड़ा में जीत के बाद डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि जीत सुशासन की जीत है। कुशासन को खत्म करने का काम जनता ने किया। जनता ने बेहद सूझबूझ के साथ काम किया। जनता को समझ में आता है कि कांग्रेस ने लंबे समय में सत्ता में रहकर समय खराब किया और मध्य प्रदेश में बीमारू राज का कलंक लगाने का काम किया था। उस काम को अब धोने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जिस प्रकार से किया है, उसके कारण जो भी चुनाव आते हैं हमें प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर दे रही है। उसी कड़ी पर ये सुशासन की जीत जो आज अमरवाड़ा के उपचुनाव में दर्ज हुई है, मैं अमरवाड़ा क्षेत्र की जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूँ। उनकी सूझबूझ के लिए उनको बधाई देता हूँ। तो वहीं अमरवाड़ा जीत पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि बीजेपी की यह बड़ी जीत है। उन्होंने जीत का श्रेय कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेतृत्व को दिया। जगदीश देवड़ा ने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने बता दिया कि अगर वो ठान ले तो हर कुछ कर सकते हैं। जगदीश देवड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की बंपर जीत हुई है, वो हमसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस जीत का वो श्रेय किसको दे रहे हैं। हम और वो बात करने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि वो लगातार बात कर रहे हैं। सर, एक बड़ी जीत हुई है, बिल्कुल बिल्कुल जश्न, अपार उत्साह, अटूट विश्वास। सर, कमलनाथ का गढ़ कहा जाता था, कोई गढ़ नहीं, जनता ने नकार दिया है, कोई गढ़ नहीं, अब गढ़ कहने की जरूरत नहीं है। बता दिया जनता ने, फैसला दे दिया कि आपने कुछ नहीं किया। जीत का श्रेय किसे देंगे सर? जीत का श्रेय किसको देंगे? संगठन, देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी और सबका मार्गदर्शन करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। सर, 3 बाई इलेक्शन और होने, उसको लेकर कितने आतंक हैं? जितने बाई इलेक्शन होंगे सब में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। चलिए, जगदीश देवड़ा जी हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जीत का श्रेय जो है वो जनता को है और वरिष्ठ नेतृत्व को है, और कहा है कि आने वाले समय में जितने भी उपचुनाव होंगे सभी पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। कैमरा मैन मनीष सेगर के साथ सैलन सिंह गुजरी, भोपाल। छिंदवाड़ा में हार के बाद बोले कांग्रेस प्रत्याशी धीरन शाह ने प्रशासन पर सवाल उठाए। प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाया तो कांग्रेस हार गई है और उसके बाद आरोप कई लगा रही है, सुनिए। प्रशासन के प्रभाव दबाव में आकर हमने जो रिकाउंटिंग का आवेदन जो दिया था, तो शासन प्रशासन के दबाव से सरकार इसको निरस्त कर रहा है और हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है। और हमारे जो मांग है कि भई हम रिकॉर्डिंग रिकाउंटिंग करवाना है, और जब भी 16वें राउंड के बाद से जो स्थगित की गई थी तो उसमें कुछ हमको वो लग रहा है, शंका आ रहा है हमको कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद सवाल उठाए। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार कर्ज, करप्शन और विज्ञापन की सरकार है।
कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार है। कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार। कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार। कर्ज की सरकार है, करप्शन की सरकार है, विज्ञापन की सरकार। अमरवाड़ा में काउंटिंग पर कांग्रेस के सवाल आए हैं। कांग्रेस ने प्रशासन पर ठीकरा फोड़ दिया है। लोकतंत्र खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी, यह भी कहा गया। बीजेपी ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर डकैती की है। आज तक कभी काउंटिंग के बीच लंच नहीं हुआ। सत्ता के साथ गठबंधन की जीत जनता की नहीं है। लोकतंत्र का कत्ल करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। पहले धन बल के आधार पर विधायक खरीदी का काम करा और आज जब चुनाव जनता कांग्रेस को जिता रही थी, लगातार 17वें राउंड तक कांग्रेस आगे, फिर पत्रे पर मिनट के लिए साइड बंद होती है। पूरे देश के अंदर इलेक्शन कमीशन की साइड चलती है, सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर की साइड बंद होती है और फिर देखा जाता है कि वहां पे एक घंटे का लंच होता है। आज तक राजनीतिक इतिहास में कभी कहीं सुना है कि लंच होता है, इसके बीच में लंच करा जाता है और सीधे 18वें राउंड से भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता डाल देते हैं कि हम 1500 वोट से जीते हैं, मीडिया डाल देती है 1500 वोट से जीते हैं। तीन बार उसके बीच में साइडें बंद करी जाती है, लोगों को रोका जाता है और अब बताया जाता है 3000 से। सीधा लोकतंत्र का कत्ल है। सत्ता बल और धन बल के माध्यम से कैसे कत्ल किया जाए, ये जनता की जीत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन की जीत है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी राजेश करमेले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, बीजेपी ने जीत दर्ज की है, वो भी कांग्रेस के गढ़ में, कमलनाथ के गढ़ में। कहीं ना कहीं ये जीत दर्शाती है कि और ज्यादा कांग्रेस अब छिंदवाड़ा में भी, कमलनाथ के क्षेत्र में भी कमजोर हो चुकी है, ना के बराबर हो चुकी है। जी देखिए, बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जीत बीजेपी ने दर्ज की है अमरवाड़ा में। लेकिन यहाँ पर जो करीबी मुकाबला रहा है उससे ये जरूर साफ हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जमकर मेहनत की। हालांकि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने लगातार यहाँ दौरे किए, भारी मेहनत मशक्कत के बाद ये स्थिति आई है। 3000 के आसपास वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस के नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है। वो प्रशासनिक पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं, इसके अलावा मशीनों में भी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने जरूर ये तय कर दिया है कि जीत हो गई है, जश्न की तैयारियां की जा रही है। कुछ ही देर में यहाँ पे जीते हुए प्रत्याशी राजा कमलेश शाह पहुंचेंगे, प्रमाण पत्र लेंगे, अभी उनका इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा जो धीरन शाह है वो अभी फिलहाल अंदर ही मतगणना कक्ष में मौजूद है, कहीं ना कहीं वो आपत्ति ले रहे हैं। जिला अध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं कलेक्टर से कि उनका कहना है कि उनकी आपत्ति ले ली जाए और पुनर्गणना की जाए। जी राजेश, क्या हम इसे बीजेपी की जीत ना मान करके कमलेश की जीत माने, क्योंकि उनकी पकड़ वहां पर अच्छी थी। पिछली बार का चुनाव जो था वो कांग्रेस के उससे लड़े थे और अब बीजेपी में आए हैं, तो एक कहीं ना कहीं ये जीत कमलेश के नाम भी माना जा सकता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मेहनत की है, मुख्यमंत्री के अलावा पूरा संगठन यहाँ पर लगा रहा है, तकरीबन एक हफ्ते से मुख्यमंत्री यहाँ पर लगातार आना जाना करते रहे, 6 से 7 सभाएं ली है, इसके अलावा संगठन ने भी कमान संभाली है। राजा कमलेश शाह जो है वो अपने अपने एरिया में जरूर नजर आए हैं, सभाओं में कम दिखाई दिए हैं, साफ था कि वो अपने इलाके में काम कर रहे थे। एक बात जरूर इस पूरे मतगणना में देखने को मिली, कमलेश शाह के अपने जो हररई एरिया है उनका, जहाँ पे उनका निवास है, वहाँ से जो उम्मीद थी उन्हें कि भारी बम्पर जीत मिलेगी, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुए हैं। वहाँ अमरवाड़ा और हररई बेल्ट में उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला, नहीं तो तीन जो अंतिम चरण थे उसमें काफी परेशानियां बीजेपी को हो जाती। बीजेपी ने अंतिम तीन चरणों में अपने आप को संभाला है, वोट मिला है वो भी सिंगोड़ी और अमरवाड़ा से, उसके बाद बीजेपी जीत दर्ज करा पाई। अच्छा, ये राजेश ये भी जानकारी दीजिए, जो आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए जा रहे हैं कि बीच में जो लंच की प्रक्रिया चली वो सब नहीं होनी चाहिए थी, आज तक ऐसा नहीं हुआ, इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस लगा रही है। राजेश, आपको मेरी आवाज मिल पाई? फिर तो सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा, पर कहीं ना कहीं सवाल यह भी है कि भले कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ पर बीजेपी की इतनी बड़ी जीत भी नहीं हुई है।
आगे बढ़ेंगे और बात अब नरसिंहपुर की करते हैं। यहां पर टोल नाके के कर्मचारियों की दबंगई सामने आई। कर्मचारियों ने एक युवक को पीटा, युवक की पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ। लखनादौन नेशनल हाईवे के मेहमतपुर टोल नाके की घटना है। पुलिस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं कर पा रही है अब तक। ये तस्वीरें आपके सामने, पिटाई का ये वीडियो सामने आया है, टोल नाके का ये वीडियो है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये वीडियो सामने आने के बाद किस तरह की कार्रवाई की जाती है, प्रशासन कैसा एक्शन अब लेता है। वीडियो मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर और हम उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है, कौन सज्जन है और टोल को भी हम चेक करेंगे कि उनके यहाँ उनके यानी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उनके यहाँ क्या घटना घटित हुई है और जो भी फरियादी आपके माध्यम से मैं उसे अवगत कराना चाहता हूँ तो आ जाए और हम उपयुक्त धाराओं में उसके पक्ष में वैधानिक कार्रवाई करें। और अब आगे बढ़ते हैं, सीहोर का जिक्र करते हैं। क्लास के दौरान एक छात्रा पर पंखा गिर गया। मामला आष्ट्रा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है जहां तीसरी कक्षा की छात्रा के सिर पर पंखा गिरा। पंखा गिरने के चलते छात्रा घायल हो गई। आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की माने तो छात्रा के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है और अब भोपाल में इसका इलाज होगा। जानकारी के बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने भी घटनास्थल का दौरा किया, स्कूल प्रबंधन को जमकर फटकार लगाई। फिलहाल मामले की पुलिस में कोई शिकायत अब तक नहीं हुई है। आश्रम स्कूल में कक्षा तीसरे की बच्ची के कक्ष में एक पंखा गिरा है। जैसे मुझे सूचना प्राप्त में गया था, बच्ची को अभिभावक और प्रिंसिपल भोपाल देखे गए हैं। अभी कैसी स्थिति है? अभी सूचना करके बताते क्या स्थिति है सर। ये घटना कैसे क्या हुई, कुछ जानकारी आई? ये वो पंखा लगा हुआ था, पंखे का नट टूटा और पंखा गिरा। ग्वालियर में शादी के दौरान नारियल और बताशे कम पड़ने पर विवाद हो गया, जमकर कुर्सियां चली। मामला फूले का पूरा गांव का है जहां पैर पुजाई के समय नारियल और बताशे कम पड़ गए। इसके बाद वधु पक्ष ने विवाद कर दिया। पहले तो इसको लेकर कहा सुनी हुई लेकिन जल्दी ही मारपीट होने लगी। मारपीट के दौरान जमकर कुर्सियां चली। जानकारी के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, विवाद को शांत कराया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई। बेहट थाना अंतर्गत फूलेपुरा गाँव में एक शादी समारोह में वर पक्ष और कन्या पक्ष के बीच लड़ाई हुई, कुर्सी वगैरह तोड़ फोड़ दी और जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। रात्रि लगभग 4 बजे सुबह की बात है। पुलिस ने 4-5 घंटे दोनों पक्षों को समझाया, उसके बाद फिर से दोनों की शादी हुई। नारियल और बताशे को लेकर विवाद हुआ था। दमोह के व्यारमा नदी में मगरमच्छ का आतंक देखा गया। 11 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, हमला कर बच्चे को नदी में लेकर डूब गया। व्यारमा नदी में मगरमच्छ में लगातार दूसरे दिन ही हमला देखा गया। शुक्रवार को एक व्यक्ति पर हमला मगरमच्छ के द्वारा किया गया था और अब एक बच्चे पर हमला मगरमच्छ ने किया। समझ नहीं आ रहा। आगरमालवा